नमस्कार, मेरा नाम है सपन विश्वास। दोस्तों, आज मैं हडबे लिटिल अंडमान का इन्वायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हडबे लिटिल अंडमान का जंगलों में जितना टिम्बर और सैंड माफिया का रोल चल रहा है, क्या ये सब किसी भी फॉरेस्ट ऑफिसर को दिखाई नहीं देता? आज हमारे बीकेपुर का रेंजर को दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो आरकेपुर में जो भी बालू चोरियां हो रहे हैं, सैंड माफिया कर रहा है, ये उसी बीकेपुर रेंजर का अंडर में आता है कि ये सब उसको दिखाई नहीं देता। दोस्तों, हमारे हडबे लिटिल अंडमान का जंगल का जो हालत है, मैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का PCCF उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपका टीम लेके हडबे लिटिल अंडमान का जंगल का ऊपर से हेलीकॉप्टर से एक राउंड मार लीजिए। आप देखिए कि पश्चिम सागर का तरफ कितना हेक्टर्स जो है जंगल कट चुका है और लकड़ियां का तस्करी हो रहा है। इतना इल्लीगल एक्टिविटीज हो रहा है कि मैं क्या बोलूं आपको। दोस्तों, बीकेपुर रेंजर का इतना बार ट्रांसफर होता, हर बार उसका ट्रांसफर रुक जाता, आखिर क्यों? यह सवाल का डरे में आता है, क्यों उसका ट्रांसफर रुकता? मैं उसको 2018 से लेके आज 2024, यानी कि टोटल 7 ईयर्स रनिंग है अभी वो यहां पर तैनात है। दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड्स का सेक्रेटरियट से एक नोटिस आया था जिसमें खास तरह से ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल रूल्स गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, जो डिपार्टमेंट का जो स्टाफ 3 साल अपना ड्यूटी कर लेता है, उसका 10 ईयर पार हो जाता है और उसको निश्चिंत है ट्रांसफर करना, क्योंकि पब्लिक डीलिंग एक ऐसा ऑफिस है जहां पर पब्लिक डीलिंग्स होता है वहां पर करप्शन होता है। दोस्तों, मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आखिर इस बीकेपुर रेंजर का ऐसा क्या रिलेशन है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अथॉरिटी के पास? मतलब जो अथॉरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हर एक ऑफिसर को ट्रांसफर करता है और जिस ट्रांसफर लिस्ट में उसका साइन कराया जाता है, मतलब ट्रांसफर अथॉरिटी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आखिर वो कौन है? और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो अथॉरिटी इस रेंजर को बीकेपुर रेंज में क्यों रखना चाहता है, जबकि एज पर रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनका ऑलरेडी डबल 10 ईयर पार हो गया है, अभी 7 साल चलता है रनिंग 2024। आप 2018 से 24 तक का कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर बीकेपुर रेंजर को कितने साल हो रहा है। सूत्रों के अनुसार हमारे पास खबर आई है कि रिसेंटली बीकेपुर का रेंजर अपना ट्रांसफर को रोकने के लिए राइटिंग में देने गए थे वन सदन फॉरेस्ट ऑफिस में। आज मैं आपको बता रहा हूं कि लिटिल अंडमान का कुछ पब्लिक भाई लोग बोल रहे हैं कि जब तक ये यहां से नहीं जाएगा तब तक करप्शन को रुकना मुश्किल है। दोस्तों, मेरा एक सवाल है आपसे कि जब इतना इनलीगल एक्टिविटीज हो रहे, इसको थोड़ा से भी दिखाई नहीं देता, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता? दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा,
अंडमान निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर का एक न्यूज चैनल में यह दिखाया था कि किस तरह से सैंड माफिया समुंदर से बालू चोरी कर रहा है। करीबन करीबन 2 महीना पहले आप लोगों ने देखा था। क्या इस पर भी कोई सोल्यूशन नहीं आता? क्या यह सब हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड PCCF पर नजर में दिखाई नहीं देता? आखिर चाहता क्या यह ट्रांसफर अथॉरिटी? क्यों इसका ये रेंजर के इतना इंटरेस्ट है इस आइलैंड में रहने के लिए? आप हमको बताएं। अगर BKpur रेंजर का अगर फैमिली का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग पब्लिक यहाँ का चाहता है कि इनका फैमिली और इस रेंजर को भी एक ही जगह में ट्रांसफर किया जाए ताकि इनका कोई प्रॉब्लम ना हो। इनका फैमिली के साथ इनको ऐसा कोई जगह ट्रांसफर किया जाए जहाँ पे ये अपना ड्यूटी अच्छा से कर सके, लेकिन जितना जल्दी हो सके BKpur रेंजर को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि यहाँ में अच्छा से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम कर पाए। दोस्तों, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हटबे लिटिल अंडमान का फॉरेस्ट को रक्षा करने के लिए यहाँ पर एक DFO को भेजा है, रेंजर है, डिप्टी रेंजर है, फॉरेस्टर है, कई मजदूर है, तब भी यहाँ में इनलीगल एक्टिविटीज होता है और इसको रोकने वाला कोई नहीं है और नज़रअंदाज किया जा रहा है। और जब मैं ये सब रोक रहा हूँ तो मैं ख़राब हो जाता हूँ। दोस्तों, इनलीगल एक्टिविटीज रोकना है। मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ कि जब कोई गरीब भाई उनका अपना घर को रिपेयरिंग करने के लिए एक बस्ता बालू ले जाता है तो उसके ऊपर कई केसेस होता है, लेकिन जब ये सैंड माफिया बालू चोरियां कर रहे हैं तब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं। आखिर क्यों? इसलिए मैं खास तौर पे इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का जो ट्रांसफर अथॉरिटी है उनको पब्लिक की तरफ से रिक्वेस्ट किया जाता है कि जितना जल्दी हो सके उसका ट्रांसफर ये आइलैंड से दूसरे आइलैंड किया जाए, क्योंकि इनका जो भी 10 ईयर पार होके आज नेक्स्ट 10 ईयर आने वाले हैं, क्योंकि ये 10 ईयर अगर पार कर देगा तो ट्रिपल 10 ईयर हो जाएगा। पहले ही वो 2 10 ईयर पार कर चुका है तो उसको अगर मौका ना देके दूसरे को दी जाए। मैं आपसे पूछता हूँ सवाल एक दोस्तों, कि क्या अंडमान में और कोई रेंजर नहीं है? उनको यहाँ पर बैठाइए, लेकिन इसको यहाँ से जितना जल्दी हो सके दूसरा आइलैंड में उनको पोस्टिंग कर दीजिए। दोस्तों, न्यूज़ आप देखते रहिए, आपको नया नया खबर आते रहेगा। सपन विश्वास को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।